अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो यार अभी हम अरीना आए हैं दिलजीत का टेस्ट दिलवाने, और फिर आपको बताते हैं कि क्या बनता है। दिलजीत अभी जा रहे हैं, तैयारी की है ना? तैयारी नहीं है। क्या बोला? चैट जीपीटी की फुल तैयारी। मैंने सर से बात करोगे? चैट जीपीटी से मैंने पूछा उसकी तैयारी है, उसने कहा भाई मेरी तैयारी है। सर से तो सर से पूछ लेना कि भाई क्या कहते हैं, सर पास करेंगे कि नहीं। हमारे सर का नाम है डॉल्फिन। हाय। जो डॉल्फिन की तरह ऐसे जाता है। अब टेस्ट हुआ तो नहीं है, किसी कमलेश नाम के बंदे का टेस्ट आ गया था। कमलेश। और इसलिए हम जा रहे हैं ओशन की तरफ, मूवी देखने का सीन है, या कोई हम जो है ना गेम शेम खेल रहे हैं, बोर हो रहे थे इतने टाइम से हम घर बैठ के। सर ने तैसा बुरा किया है, इस डॉल्फिन को मैं सीधा करूंगा। दो साल से दिल्ली गया है, दो साल से शुक्र है मेरा टेस्ट हो गया, लेकिन इसका एक रह गया है। एक बार डिप्लोमा मिल जाए साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए इस डॉल्फिन को पानी में जाने नहीं दूंगा। डिप्लोमा मिल जाए तो इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लो। एक बार डिप्लोमा मिल जाए तो डॉल्फिन में पानी में जाने नहीं दूंगा। दिलजीत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसको। अच्छा ये तो हॉस्पिटल है। शाबाश। इमरजेंसी है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है भाई, क्योंकि कैमरे की माँ फैन हुई पड़ी है। अच्छा तो यार अभी हमने खाना खा लिया है, अभी मूवी का सीन है। देखो दिलजीत क्या कहता है, चलें? मैं तो कहता हूँ सीन करने, मूवी नेक्स्ट टाइम लगी और मूवी देख लो। और अब देखा हमजा भाई रहा है, देख लो फिर, अमीर बंदे हैं अब, इन गरीबों को खर्चा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, बता जो इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। अभी एक्सोरसिस्ट मूवी देख ली है और मूवी नेक्स्ट लेवल है, अभी जा रहे हैं हम जो है ना बोर्ड बेसन की तरफ, मेरे मोबाइल का जो कुछ मसला हुआ है उसको रिपेयर कर पाएंगे, उसके बाद हमजा निकलेगा अपने घर की तरफ। ये मेरा मोबाइल है मेरा। अरे क्यों मार रहे यार, अरे सबूत क्यों मार रहे यार। अच्छा तो यार मूवी हमने देख ली है, मूवी नेक्स्ट लेवल की, बड़ा मज़ा आया देख के। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी देखो, और अभी हम बोर्ड बेसन जाएंगे, दिलजीत के मोबाइल का काम है। बाकी आपको एक सीन बताता हूँ, अभी हम ओशन मॉल में एंटर हुए थे तो एक लेडीज़ के सामान वाले एरिया से गुजर रहे थे। अब आपको पता है फिर लड़के कैसे होते हैं, साथ से एक भाई गुजरा, अब हम दोनों देख के हम वहाँ से निकलने वाले थे, हमने हमारी जैसी उस पर नज़र पड़ी, वो भी हंसने लगे और हम भी हंसने लगे। अब हम खुद देख लो, सारे लड़कों की सोच एक जैसी है। तू क्या कहता है, सारे लड़के एक जैसे नहीं है? सारे लड़के एक जैसे होंगे, किसी तो मॉल से निकल के हम बोर्ड बेसन गए थे, जैसा कि आपको बताया था कि दिलजीत के मोबाइल का काम करवाना था, तो वो करवा के सीधा हम दिलजीत के घर पहुंच गए। अच्छा तो यार अभी दिलजीत के घर पहुंच गए हैं, अभी मैं भी निकल रहा हूं अपनी बाइक उठा के, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं।